तो टॉपिक का नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, या फिर टॉपिक का नाम है मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन या स्ट्रेट लाइन का मतलब या तो बॉडी मूव करेगी एक्स एक्सिस में, या बॉडी मूव करेगी वाई एक्सिस में, या बॉडी मूव करेगी जेड एक्सिस में। तो अगर एक्स में मूव कर रही है तो उसका सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा होगा, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट। अगर वाई में मूव कर रही है तो सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट, और जेड में जेड को। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या वन डायमेंशन। लेकिन इमेजिन करो अगर ये फ्लोर है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, फ्लोर पे कोई इंसेक्ट जा रहा है टेढ़ा मेढ़ा, तो कौन से मोशन में है? टू डी। टू डी में क्या होता है, दो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे साइमल्टेनियसली, एक्स कोऑर्डिनेट एज वेल एज वाई कोऑर्डिनेट, ऐसे ही होता है। और अगर एक काइट फ्लाई कर रही है, पतंग फ्लाई कर रही है आसमान में, तो डेप्थ भी होगी उसकी कुछ ना कुछ, या इंसेक्ट हवा यहाँ पे रूम में, तो ऊपर नीचे भी होगा, तो आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरफ जाएगा, तो तीन कोऑर्डिनेट चेंज होंगे एक्स वाई एंड जेड। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहाँ तक। तो क्या है इसमें, जब फिजिक्स स्टार्ट होती है तो सबसे पहले ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स हैं, उनमें से एक ब्रांच है मैकेनिक्स। तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो किसमें डील करती है, कंडीशंस ऑफ रेस्ट या मोशन ऑफ अ मटेरियल, कि भाई कोई बॉडी रेस्ट पे है या मोशन में, उसको स्टडी करना, तो हम क्या करने जा रहे हैं, मैकेनिक्स। ठीक हो गया। मैकेनिक्स फर्दर ब्रांचेज में डिवाइडेड है, स्टैटिक, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है और रेस्ट पे पड़ी हुई बॉडी को हम स्टडी करते हैं, तो कौन सी ब्रांच है, स्टैटिक। प्लस टू का पहला यूनिट है, दो महीने लगते हैं उसको कवर करने में, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, चार्ज किस पे पड़ा होगा, एट रेस्ट, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक, यहां तक क्लियर है। और काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स में ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स that deal with study of motion of the object without considering the cause of the motion. तो ये study करेगी kinematics कि body की velocity u, थोड़ी देर बाद v, इसकी research करने की जरूरत नहीं है कि इसकी velocity बड़ी कैसे, बताओ उस बंदे को पेश करो जिसने force लगाई, हमें नहीं चाहिए कितनी force लगी, नहीं चाहिए भाई। kinematics deal करता है u given है, v given है, t given है, v is equal to u plus at, a निकाल दो, force का कोई concept इसमें लगता ही नहीं। ठीक। और डायनेमिक्स एक ऐसी ब्रांच है जो डील करती है स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन द कॉज ऑफ देयर मोशन। भाई एक बॉडी मोशन में आई, यू से वी वेलोसिटी हो गई, क्यों हुई, उस पर क्या लगी होगी फोर्स, तो फोर्स की कैलकुलेशन भी ये करवाएगा। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स, फोर्स को नहीं स्टडी करेंगे, फिर हम करेंगे डायनेमिक्स। तो मैं बोलता था कि असली फिजिक्स फोर्स से स्टार्ट होती है, डायनेमिक्स से होती है, क्यों, क्योंकि डायनेमिक्स में बॉडी मूव भी करेगी, यू भी पढ़ेंगे, वी भी पढ़ेंगे, ए भी पढ़ेंगे, वी यू प्लस ए टी भी पढ़ेंगे, और फोर्स भी पढ़ेंगे, सब इकट्ठा चलेगा सब कुछ। पर अभी हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, अभी फोर्स नहीं पढ़ेंगे, अभी सिर्फ मोशन पढ़ेंगे। तो क्लियर है ये ब्रांचेस, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है वन डी मोशन क्या चीज है। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन वन डायमेंशन if only one of the three coordinates specifying the position of the object changes with time. भाई एक coordinate कोई भी change होगा तो उस case में body is said to be 1D. तो ऐसे ही इसको हम क्या बोलते हैं, linear motion भी बोलते हैं, ये आपने पढ़ा भी होगा पहले। 2D motion क्या है, दो coordinates change होते हैं out of three simultaneously, तो body is said to be in 2D motion. Next है three dimension motion, तीन के तीन coordinates change होते हैं तो 3D मोशन। क्लियर है यहां तक? तो अब ये भी पढ़ा हुआ है आपने, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अब पढ़ते आए हैं। तो डिस्टेंस क्या चीज है, डिस्टेंस है एक्चुअल लेंथ या पाथ कवर्ड बाय द बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो मैंने यहां से एक उबर कर ली, मैंने कहा चला घूम के आना है, कहाँ घूम के आना है, अस्तान सेक्टर घूम के आएंगे, लांटे घूम के आएंगे, ड्राइवर बुला लिया, तो घूमा फिरा कार में पूरा शहर घूमा, वापस यहीं छोड़ दिया। भाई कहता भाई पैसे, मैंने कहा पैसे किस चीज़ के भाई, वो कहता जी मैं घुमा के लाया हूँ। मैंने कहा तेरी नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तेरे को फिजिक्स नहीं आती, क्योंकि तेरी शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट क्या है, तेरा जीरो, पैसे किसी चीज़ के नहीं,
वो कहता है फिजिक्स तो मेरे को आपसे भी ज्यादा आती है। वो कैसे? वो कहता है जी मैं पैसे डिस्टेंस के लेता हूँ, डिस्प्लेसमेंट के नहीं लेता। तो जहां जहां गलियों में भी आपकी कार गई ना, मीटर चल रहा था लेंथ कवर्ड बाय दी बॉडी। पॉइंट समझ में आया डिफरेंस क्या है? तो जितने भी मीटर गाड़ियां चलती हैं वो डिस्टेंस मेजर करती हैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं करती। तो अगर गाड़ी ए से बी से सी से डी जाती है तो लेंथ दिस प्लस दिस प्लस दिस डिस्टेंस है, और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए और कोई तरीका नहीं, यही रास्ता फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, इसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। इसीलिए बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनकी सिर्फ वैल्यूज होती हैं, जैसे टाइम 10 सेकंड, 15 सेकंड, डायरेक्शन नहीं होती, मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर क्वांटिटीज वो हैं जिनकी वैल्यू भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक? तो अगर फिजिक्स में मैं ये बोलूं कि बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, जैसे कि टाइम, जैसे कि वेलोसिटी, जैसे कि वर्क डन, जैसे कि फोर्स, एक्सलरेशन, बहुत क्वांटिटीज हैं, इनमें से कुछ स्केलर हैं और कुछ वेक्टर हैं। तो ऐसे तो हम पूरी प्लस वन प्लस टू में 500 क्वांटिटीज पढ़ेंगे, तो आपको कैसे पता लगेगा कि कोई क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर है? मैं बताऊंगा, क्योंकि मेरा काम ही यही है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी क्वांटिटी वेक्टर, कौन सी स्केलर। उनमें से कुछ आपको मालूम है, जैसे कि टाइम एक स्केलर है, वर्क डन एक स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, वर्क डन स्केलर है, फोर्स वेक्टर है, फोर्स किस डायरेक्शन में लगी, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है। तो जिनके जो क्वांटिटीज वेक्टर हैं उनके ऊपर हम क्या लगाते हैं? एरो, ताकि दूर से समझ में आ रहा है कि ये क्वांटिटीज वेक्टर है, और जिन पे एरो नहीं लगता वो क्वांटिटीज, अब बोलने की भी जरूरत नहीं है, पता है कौन वेक्टर कौन स्केलर। इसलिए डिस्टेंस तो स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट एडी के ऊपर मैंने क्या बनाया? एरो। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है, डिस्प्लेसमेंट किसी भी बॉडी की पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ऊबर वाले ने, टैक्सी वाले ने अपना मीटर चालू कर दिया, उसका मीटर वापस नहीं आ सकता। अगर गाड़ी 100 किलोमीटर चल गई ना, 90 किलोमीटर मीटर नहीं होएगा, 100 से ऊपर ही जाएगा। तो नेगेटिव तो कभी होगी नहीं डिस्टेंस की वैल्यू, ना जीरो होगी। गाड़ी चल गई, जीरो कैसे होगा मीटर? तो डिस्टेंस तो कभी ना जीरो, डिस्टेंस जीरो तभी होगा जब गाड़ी रुकी हुई है, चल पड़ी तो जीरो नहीं होगा या पॉजिटिव होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, जहां से स्टार्ट हुए वहीं पर वापस आ गए, जीरो। नेगेटिव भी हो सकती है, अगर गाड़ी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाती है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, और अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाती है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। क्लियर है यहां तक? इसी बात को समझाने के लिए ये डायग्राम है। अगर मान लो गाड़ी यहां पे है ए पे, और पॉजिटिव एक्स की तरफ जाती है बी पे, तो इसका इनिशियल कोऑर्डिनेट x1 है और फाइनल कोऑर्डिनेट x2 है। फाइनल कोऑर्डिनेट बड़ा है, इनिशियल कोऑर्डिनेट छोटा है, तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बोलो कितनी है? x2 माइनस x2 बड़ा है x1 से, तो दिस इज ग्रेटर देन 0, इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। लेकिन अगर गाड़ी ए से बी पे आती है तो इनिशियल कोऑर्डिनेट क्या है? x1 जो कि बड़ा है, फाइनल कोऑर्डिनेट क्या है? x2 जो कि छोटा है। तो फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे तो आंसर पॉजिटिव नहीं आएगा, आंसर नेगेटिव आएगा। तो मैंने तो आपको पहले ही बता दिया, अगर गाड़ी पॉजिटिव एक्स में जाएगी तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव एक्स में जाएगी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, बात खत्म। क्लियर है? और अगर कोई गाड़ी ए से चली बी पे गई, बी से चली ए पे आई, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 0। तो फिजिक्स में कैसे समझाया जाता है, डायग्राम से ये बात समझ में आ रही है, जो मैंने एक लाइन में समझा दिया, पॉजिटिव में जा रही है तो पॉजिटिव, नेगेटिव में आ रही है तो नेगेटिव, पर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में ये बातें समझ में आती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर किताब पढ़ी तो किताब के अंदर ये डायग्राम आपको समझ में आने चाहिए, एग्जैक्टली डायग्राम्स क्या है। ठीक है यहाँ तक? अब स्पीड क्या चीज़ है? स्पीड होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। क्योंकि डिस्टेंस स्केलर है तो स्पीड भी स्केलर है। क्लियर है यहां तक? और कितने टाइप की स्पीड्स हैं? तो स्पीड्स में गाड़ी कैसे चल सकती है? पहला केस, यूनिफॉर्म स्पीड। आप हाईवे पे जाएं,
गाड़ी में क्रूज का ऑप्शन है, क्रूज दबा दें, 80 किलोमीटर पर आवर का क्रूज लगा दिया आपने, मजाल है गाड़ी 79 या 81 पे हो जाए, हो ही नहीं सकता, उसने 80 पे चलना है, उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। चेंज ही नहीं हो रही, कंप्यूटराइज्ड है पूरी। तो क्या चीज है, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस 2 मीटर 2 सेकंड में, अगला 2 मीटर 2 सेकंड में, अगला 2 मीटर 2 सेकंड में, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो यूनिफॉर्म स्पीड है। चेक कर लो इस इंटरवल में स्पीड 1 है, इसमें 1 है, इसमें इसमें जिस मर्जी 1 है, तो दिस इज नोन एज अ केस ऑफ अ यूनिफॉर्म स्पीड। नेक्स्ट है वेरिएबल स्पीड, जैसे गाड़ियां हाईवे पे एक्चुअल में चलती हैं, कभी स्लो कभी फास्ट, तो 2 मीटर डिस्टेंस 2 सेकंड में, अगला 2 मीटर 1 सेकंड में, अगला 2 मीटर 4 सेकंड में, तो स्पीड क्या हो रही है, वेरिएबल। नेक्स्ट केस एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, क्लियर है, ये तो हमने किया हुआ है, और इसको कैसे लिखते थे, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, यानी कि एक्स टू माइनस एक्स वन बाय टी टू माइनस टी वन, और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, डी एक्स बाय डी टी, किया था डी एक्स बाय डी टी, इंस्टेंटेनियस स्पीड है जिसमें कैलकुलस की जरूरत होती है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो लिमिट मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, एवरेज स्पीड लिखो, एवरेज स्पीड में डेल्टा टी अगर बहुत छोटा है तो डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो लिखा करो, तो ये लिखना और ये लिखना एक ही बात है, हम ये यूज नहीं करते, हम ये यूज करते हैं, अदरवाइज ऐसा यूज करेंगे तो एक ही बात है, तो ऐसा कौन यूज करेगा, सीधा लगाएंगे, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो कितने टाइप की वेलोसिटीज हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वही स्पीड वाला सेम हाल है, वेरिएबल वेलोसिटी सेम है, एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx बाय dt, एंड डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकती है इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है, लेकिन अगर बॉडी घूम गई कहीं तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटी होगी, डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा। तो क्या मैं ये स्टेटमेंट लिख सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक। अब आपने करना क्या है, आप सोच रहे होंगे कि यार ये कैसी फिजिक्स है, हमें तो ऐसे कराते नहीं थे क्योंकि टेंथ में हमें कहते थे राइट वेलोसिटी, तो हम लिखते थे वेलोसिटी रेड पेन से, फिर ब्लू पेन से लिखते थे कि द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इन टोटल टाइम टी इज नोन एज वेलोसिटी, फिर उसके बाद हम बॉक्स में डालते फॉर्मूला, फिर कहते थे राइट डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट वो डायग्राम बनाओ और ये करो वो करो, इसमें तो कुछ नहीं आना। आप अगर ये सोच रहे हैं ये कॉन्सेप्ट है, एप्लीकेशन आएगी, आप समझो बात को, एप्लीकेशन समझते हो, इसको लगाना आएगा, हमारा मेन फोकस लगाने पे होगा, डेफिनेशंस सिर्फ समझने के लिए हैं, इसलिए सारी डेफिनेशन मैं लिख के देता हूँ, पॉइंट समझ में आ रहा है, डेफिनेशन इसलिए मैं लिख के देता हूँ ताकि हम यहाँ पर टाइम खराब ना करें डेफिनेशन समझने में या लिखने में, स्पेशली समझना तो हमें है ही है लिखने में, तो अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आता है तो हमने ये काम किया, रिवाइज तो करोगे ये सारा कुछ, पर लेकिन पॉइंट ये है कि आप इस पूरे लेक्चर को लिखने बैठोगे तो फायदा नहीं होगा। लिखने वाला क्या काम है मैं अभी आपको बताऊंगा, आपने एक फॉर्मूला रजिस्टर बनाना है, मैंने आपको पहले भी कहा था, उस फॉर्मूले रजिस्टर में सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स लिखने हैं, जो लिखने वाला काम है लिखवाऊंगा मैं, जिसमें आपने सबसे पहला फॉर्मूला ये लिखना है कि स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये लिखें, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये पहला फॉर्मूला जो आज के लेक्चर में यूज होने वाला है, तो पहला फॉर्मूला ये लिख लें फॉर्मूला रजिस्टर में, मेंटेन करना है पूरा फॉर्मूला रजिस्टर, तो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक। अगर रजिस्टर नहीं बनाया इसको हाईलाइट कर लें, चाहे मेरे असाइनमेंट में हाईलाइट कर लें, घर जाके उसमें नोट कर लें, नोट इसलिए कर लें एक साल के बाद आपको सारे फॉर्मूलाज ये सब चीज़ें भूलनी स्टार्ट हो जाती हैं, तो जब आप रिवाइज करेंगे तो एटलीस्ट फॉर्मूला, देखो मैं आपको कम से कम नहीं तो इतनी कोई 4-5 किताबें दूंगा इतनी बड़ी, और प्लस टू में ला के इतनी हो जाएगी, इतना कंटेंट होगा जो मैं दूंगा आपको, अभी तो 2 पेज हुए हैं, अभी तो भर के इतने हो जाएंगे,
तो जब पेपर होगा फाइनल तो क्या करोगे, हाथ में पानी का कटोरा रखोगे, हाथ वो पेज को पलटने के लिए रिवाइज कैसे करोगे, इतने सारे, और वो भी सिर्फ फिजिक्स फिजिक्स। अगर मेंस या नीट का पेपर है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो पागल ही हो जाओगे यार पेज पलट पलट के। फॉर्मूला रजिस्टर उठाना, फॉर्मूला रिवाइज करना और पेपर में उतर जाना, खत्म। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं लिखवाता ही रहूंगा आपको उसमें, तो वो शॉर्टकट नोट्स हैं आपके। डेरिवेशंस अलग करेंगे, डेरिवेशंस के अंदर तो मैं लिखवाऊंगा आपको, वो प्रॉपर स्कूल में प्रूव करने को आती हैं चीज़ें, वो आपको आपको मैं अलग लिखवाऊंगा। और ये जो है फॉर्मूला रजिस्टर अलग मेंटेन होगा। समझ में आ रहा है, ये बड़ी काम की चीज़ है फॉर्मूला रजिस्टर। आज नहीं पता लगेगा, एक दिन पता लगेगा आपको। दूसरा, इंस्टेंटेनियस स्पीड लिखो v dx by dt, इंस्टेंटेनियस स्पीड लिखो dx by dt। और जहां एवरेज स्पीड है ना, एवरेज स्पीड में ये भी लिखना डेल्टा x by डेल्टा t, या फिर x2 minus x1 divided by t2 minus t1, ये लिखो। तो एक तो ये फॉर्मूला लिखो ऐसे, ठीक। ठीक है यहां तक। और दूसरा फॉर्मूला ये लिखो, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज डी एक्स बाई डी टी। तक याद रहेगा कि हम कैसे एवरेज और इंस्टेंटेनियस निकालते हैं, ठीक। एवरेज स्पीड में कैलकुलस नहीं लगता, इंस्टेंटेनियस स्पीड में कैलकुलस लगता है, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट फॉर्मूला लिखो, एवरेज वेलोसिटी, ये वाला एवरेज वेलोसिटी, ये फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये दोनों फॉर्मूलाज। और ये तो पक्का ही लिखो, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत आता है कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल तो हो सकती है और कम भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा कभी नहीं होगी। तो क्वेश्चन आएगा, वॉट जो डिस्प्लेसमेंट है और जो डिस्टेंस है उनकी जो रेशियो है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू वन, क्योंकि जब मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड करूंगा तो वहां पर क्या बच जाएगा, वन। तो ऑब्जेक्टिव आता होता है कि रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू वन, ठीक।